मियां नवाज शरीफ की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत के ख्वाजा हारिस को तीन ऑप्शंस। नैब की मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियाद पर जमानत की हिमायत, इलाज के लिए बाहर ले जाने की मुखालफत। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त देने के बजाय मर जाने को तरजीह देंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। मियां नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर तश्वीशनाक, दिल गुर्दों का मरज लाहक, प्लेटलेट्स भी 28,000। स्टीरॉइड जारी रखने का फैसला। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि साबिक वजीर आजम का वजन कम नहीं हुआ, 102 किलोग्राम है। वजीर अला पंजाब की अदालत आमद पर लीगी कारकुनों का पारा है। गो न्याजी गो और वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगा दिए। उस्मान बाजार ने अदालत को नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ब्रीफ किया। पंजाब में कैदियों को इलाज की सहूलियात के बारे में भी बताया। शनाख्ती कार्ड की शर्त नामंजूर। ताजरों की मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन। कई जगह पर ताजरों की रैलियां। पेट्रोलियम टैंकर्स एसोसिएशन की वजह 2 रोजा हड़ताल। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। हुकूमत की बिजनेस कम्युनिटी को मनाने की कोशिश। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के इस्लामाबाद में ताजरों से मुजाकरा। मुशीर खजाना कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन का आजादी मार्च मुल्तान से लाहौर के लिए चल पड़ा। महंगाई बढ़ गई है, पूरा मुल्क हुकूमती इकदामात से परेशान है। हमारा आईनी हक मत छीनो, मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। जमात इस्लामी का JUI से राबता। लाहौर में आजादी मार्च के इस्तकबाल की ख्वाहिश, JUI ने हाँ कर दी। मंसूरा के बाहर इस्तकबाली कैंप लग गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अपोजिशन के आज़ादी मार्च पर भी मुशावरत। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कमेटी बनाने की मंजूरी। समंदरी तूफान के आर से साहली इलाकों में तबाही। कराची में फिश हार्बर के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट बुलंद। रेडी गोट, चश्मा गोट, इब्राहिम हैदरी की कई बस्तियां जेरे आब। हॉक्स बे पर भी समंदर का पानी सड़क पर आ गया। समंदरी तूफान शहर कायद से 730 किलोमीटर के फासले पर। शहर कायद में आज तेज गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। और साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान में 4 साल का अरसा खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। वापसी पर अफसरदगी है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने का फर्ज बेहतर अंदाज में।